तो राधे राधे आप सभी को, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे कथाओं का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, तो आज हम एक नई कथा के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की कथा है हमारे भक्त और हमारे भगवान पर, कैसे हमारे श्री हरि अपने भक्त के घर आते हैं और उनका कल्याण करते हैं। आज की कथा है उन भक्तों की जो अपने प्रभु के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं उनसे भेंट करने के लिए। और वीडियो के अंत में आपको एक सुविचार भी मिलेगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। तो आज की कथा में एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन श्री हरि की भक्ति करी है। वह हर समय श्री हरि का नाम ही जपती रहती थी। अपने बचपन के समय से लेके अपने वृद्ध अवस्था तक वो श्री हरि के नाम ही जपती रहती है। परंतु एक बात है कि उसके पास धन नहीं है। उसके पास शुरू से ही धन नहीं है। वह बहुत गरीब घर से थी, इसलिए उसके पास खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। वो हरी नाम जपती रहती थी, लोग उसे पैसे दे जाते थे। मतलब कि उसका गुजारा जो था वो हरी नाम पे ही हो रहा था। परंतु वो कहते हैं ना कि भगवान का नाम हम कैसे भी ले, सच्चे मन से ले या मन से ना ले, तब भी भगवान का नाम उतना ही फल देता है जितना उसका महत्व है। जैसे कि अमृत का स्वभाव है अमर करना, उसी प्रकार भगवान के नाम का स्वभाव है कि भक्त को तारना। तो उसी प्रकार वो वृद्ध महिला हरि का नाम जपती रहती थी। और एक दिन ऐसा आया कि एक शाम को उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उसे जो वह भिक्षा मांगती थी उस दिन उसको भिक्षा भी नहीं मिली थी जो उसको खाने को कुछ अन्न मिल सके। तो उसने तब भी हरि का नाम नहीं छोड़ा, तब भी वह हरि 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 जपती रही। उसके बाद जब वह रात्रि होने लगी तब वह बोली कि मुझे लगता है आज तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा, आज तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा, आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। उसने ऐसे बोलकर बिस्तर लगाया और वो सो गई। एक घंटे बाद जब वह सो गई थी, उसके एक घंटे बाद उसे अचानक से आवाज आई खटखटाने की गेट, और वह उठी। वह थोड़ी डर चुकी थी क्योंकि आधी रात का समय हो चुका था और उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी थी। उसने डर डर के श्री हरि का नाम लेकर दरवाजा खोला और देखा कि बाहर तो इतने तरीके के पकवान पड़े हैं उसके दरवाजे के बाहर। उसने सोचा ये पकवान कौन लग गया, मुझे तो भूख लगी थी, परंतु ये तो सिर्फ मेरे श्री हरि को ही पता था, और किसी को तो पता ही नहीं था, तो ये किसने रख दिए। उसने ये प्रश्न अपने मन में ही पूछा अपने आप से। परंतु उसने सोचा चलो अब श्री हरि ने दे ही दिया है तो अब मैं इसे ग्रहण कर ही लेती हूँ। तो वह सब चीजें अंदर ले गई थी। फिर उसने एक एक कर पहले तो अपने श्री हरि को भोग लगाया, उसके बाद वो भोग को ग्रहण किया। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हमारे कृष्ण भक्तों में एक तो अच्छी बात ये होती है कि
वह जो भी खाते हैं पहले श्री हरि को भोग लगाते हैं फिर वह खाते हैं, क्योंकि भोजन तो आपको शक्ति प्रदान करता है, परंतु अगर उस भोजन को आप श्री हरि के भोग में पहले देंगे उसके बाद आप ग्रहण करेंगे तो वह खाना भोजन वह भोजन भोजन नहीं रहकर वह भोजन अमृत बन जाता है, क्योंकि जो श्री हरि के पास जाता है वह अमृत होकर ही आता है। मेरी श्री हरि किसी को भी ऊंच नीच या अच्छे बुरे से नहीं नापते। आपके मन के भाव अगर सच्चे हैं तो आपको प्रभु आपके घर में ही आपके हृदय में ही मिल जाएंगे। उस बुढ़िया का भाव इतना था कि वह भूखे रहकर भी हरि का नाम नहीं जपना भूली। तो हरि ने भी सोचा कि जब ये मेरा भक्त मुझे अपनी भूख में भी मुझे नहीं भूल रहा तो मैं इसकी भूख अवश्य मिटाऊंगा। तो वो और कोई नहीं आया था उसके दरवाजे पे, उसके दरवाजे पे स्वयं श्री हरि आए थे। वह फिर अगले दिन जब रात्रि हुई तब उसके दरवाजे दोबारा दस्तक हुई, तब श्री हरि एक युवक का रूप बनाकर उसके दरवाजे पे खड़े थे। उस बुढ़िया अम्मा ने जब गेट खोला उसके बाद देखा एक युवक था, इतना सुंदर, उसके मुख पे छोटी सी मुस्कान, सिर पे पटका, कंधे पे पटका और धोती पहन रखी थी उसने। उसने बोला, ए बेटा तुझे कैसे पता कि मेरे को भूख लग रही थी और तूने कल मेरे को भोजन दिया, आज भी तू मेरे लिए भोजन ले आया। उसने मुस्कुराकर बोला कि मैया मुझे तो सबका पता होता है और तू तो मेरी अति प्रिय है, तो मुझे तेरा कैसे नहीं पता होगा। इतना जैसे ही उस युवक ने बोला उस बुढ़िया ने वह बुढ़िया समझ चुकी थी कि ये और कोई नहीं, ये जगत पालन श्री हरि नारायण ही आए मेरे दरवाजे पे। मेरी भक्ति इतनी सच्ची है कि श्री हरि भी आ गए हैं मेरे के मिलने मुझसे। तो इसलिए भक्तों मैं आप सबको यही कहता हूँ कि आप जो आपकी भक्ति है वो आप प्रेम से और भाव से करिए, उससे आपके प्रभु भी आपको जल्दी मिलेंगे और श्री हरि भी। जो जगत के पालन होता है उसको पाने के लिए आपके दिल में भाव अवश्य होने चाहिए। किसी भी भगवान को आप मानते हैं उसके लिए आपको भावों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आपके अगर भाव नहीं हैं तो आपको भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। आपके कर्म अवश्य देखते हैं भगवान, परंतु आपकी भक्ति के वक्त आपके कर्म नहीं देखे जाते। अगर आपके भाव सच्चे हैं और निष्ठावान हो आप, तो आपके भगवान अवश्य सुनेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं भक्ति जो है वो भाव से कीजिए, तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भक्ति जो है वो अपने एकदम भाव से करनी चाहिए, जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति जल्द से जल्द हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का सुविचार ये है हमारा। राधे राधे आप सभी को, आपको हमारा सुविचार कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और आपके जीवन में इस सुविचार ने क्या प्रयोग किया ये भी हमें कमेंट में बताइए।